नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स और रिकॉर्ड लेवल्स पर ही मार्केट्स अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। 9450 के एग्जैक्टली नीचे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर ऊपर 9448 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। 42 पॉइंट्स की बढ़त है। आज के सेशन में हमने सेंसेक्स में भी नए हाईस देखे हैं, 30,360 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक को, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को, तो ये भी लाइफ टाइम हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं। आज के सेशन में जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है वो जी एंटरटेनमेंट, कुछ चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स की ओर से आती हुई दिखी है। लेकिन टॉप 50 शेयर्स में हम बात करेंगे ऑटो स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि अच्छा मोमेंटम हमने हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स में देखा है। इन स्टॉक्स पर आपको करना क्या है, एनडीएफसी स्टॉक्स अर्निंग्स आने के बाद वापस यहां पर खरीदारी का रुझान आया है। स्पेशली आप देखिए उज्जीवन, M&M फाइनेंशियल, भारत फाइनेंशियल, कमजोर नतीजों के बावजूद ये स्टॉक्स ने अब चलना शुरू किया है। आज कई बड़े नंबर्स आने हैं, उन नंबर्स पर आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, किन स्टॉक्स पर फोकस करना है, इसकी जानकारी देंगे। एक ब्रेकआउट स्टॉक भी आपको बताएंगे और एचसीएल टेक्नोलॉजी, जिसके नंबर सुबह आए थे, उनकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी, उनसे आगे का आउटलुक समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए इंडेक्स लेवल्स को, सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक तीनों ही रिकॉर्ड लेवल्स पर है। आशीष क्याल हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, एकाएक डायनामिक्स कल की बाइंग के बाद, कल की तेजी के बाद मार्केट्स के थोड़े चेंज हुए हैं, अभी ट्रेडर्स को आपने सलाह क्या दी है? 9450 के लेवल्स पर एग्जैक्टली अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, क्या सलाह आपने दी आज अपने क्लाइंट्स को इंडेक्स पर? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए ओवरऑल ट्रेंड जो है निफ्टी का 9370 का एक रेजिस्टेंस लेवल था और बहुत टाइम से वो रेंज में चल रहा था, तो वो आंकड़ा पार करने पर हमने पॉजिटिव रहने की राय दी है। और अभी ये लेवल पे जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है, वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड अपना सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस एक 9370 का लगा सकते हैं, जो कि पहले रेजिस्टेंस अभी एक सपोर्ट की तरह एक्ट होगा, और ऊपर में टारगेट करीबन 9460 के आसपास का पहला टारगेट आता है, जो कि यहाँ से खाली 10 पॉइंट ही है, लेकिन अगर वो आंकड़ा पार कर जाता है तो 9500 का लेवल निफ्टी के ऊपर देख पाएंगे। तो 9500 का लेवल्स निफ्टी पर देखा जा सकता है, ऐसा आशीष भी मानते हैं, और अभी 9447 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करेंगे ऐसे टेक्नोलॉजीज की। नंबर्स आज सुबह आए थे बाजार खुलने से पहले और नंबर्स हर पैरामीटर्स पर एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, और इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मिस्टर अनिल चनाना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CFO है एसएल टेक्नोलॉजीज के। मिस्टर चनाना, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस, कंग्रेचुलेशंस अच्छे सेट ऑफ अर्निंग्स पोस्ट करने के लिए। पहले सर ये जानना चाहेंगे कि अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज एंड डिफरेंट वर्टिकल्स ओवरऑल परफॉर्मेंस रही कैसी है एसएल टेक्नोलॉजी? आप देखिए हमारी जो परफॉर्मेंस है जो यूएस और यूरोप के अंदर बहुत अच्छी रही है। यूएस और यूरोप दोनों 15% के करीब बढ़े हैं, और अगर आप एशिया पैसिफिक देखेंगे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे उसमें इस क्वार्टर अच्छी ग्रोथ रही है, बट ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर में मिला के 2.5% ग्रोथ रही है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी ग्रोथ है, अगर आप मोड वन, मोड टू, मोड थ्री में देखेंगे जिस तरीके से हम अब बिजनेस अपना चला रहे हैं, तो मोड वन ग्रोथ 8.3% हुई है, मोड टू मोड थ्री जो कि डिजिटल क्लाउड प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, उनके अंदर ग्रोथ 30% हुई है ईयर ऑन ईयर। तो कंपनी का फोकस एरिया अब मोड टू मोड थ्री है, मोड वन भी चलेगा साथ साथ, और मोड टू मोड थ्री एक वो काफी वो उसके ऊपर एम्फेसिस दिया जा रहा है। ठीक है अनिल जी, जो FY18 के रेवेन्यूज को लेकर जो गाइडेंस आई है वो 10.5 से 12.5% के बीच आई है, वहीं FY18 के लिए जो एबिट रेंज है वो आपने बताई है कि 19.5 से 20.5% के बीच में रहेगी। तो एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जो आपकी करंट ऑर्डर बुक है, जो करंट पाइपलाइन है, उसके आधार पर ये गाइडेंस आपने शेयर की, और जो हाल ही में आपकी एक्विजिशंस रही हैं उनको भी आपने इंक्लूड किया है ये मार्जिन या फिर ये पिक्चर देने से पहले? तो हमने जब बिजनेस हम एक्वायर करते हैं उसके बाद में हम उस बिजनेस को अपने उसमें इंटेग्रेट कर देते हैं, हमने दूसरे बिजनेसेस के अंदर इंटेग्रेट कर देते हैं। तो हमें एक क्लाइंट पार्टनर, एक क्लाइंट आया तो उसको एक क्लाइंट पार्टनर को दे दिया जाता है, तो क्लाइंट पार्टनर के लिए कोई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नहीं होता, उसके लिए एक कस्टमर एक है, उसको उस क्लाइंट को सर्विस करना है जी, और उसको क्या सेल करना है, कौन सी सर्विस ज़्यादा सेल करनी है, कौन सी सर्विस कम सेल करनी है, तो वो स्ट्रेटेजाइज करता है। तो इसलिए उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्स्ट टाइम होता है, उसके बाद नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जी अनिल जी एक चीज़ और है, पिछले साल इसी क्वार्टर में जो आपकी मार्जिन रेंज थी वो 21 से 22% के बीच में थी,
क्या पॉसिबिलिटी है कि वापस वो मार्जिन आप रिगेन करें अगले कुछ क्वार्टर्स में, 22.22% के मार्जिन हम देख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, पिछले साल तो हमारा बल्कि मार्जिन रेंज 19.5 से 20.5 ही हमने दी थी, जबकि डॉलर रुपी 67 था, और अब इस साल हमने वही रेंज 19.5 टू 20.5 दी है, जबकि हमने डॉलर रुपी एज्यूम किया है 65.50 का, तो हमारे इन वे मार्जिन गाइडेंस तुम्हारी बढ़ गई जी। अच्छा, इस क्वार्टर में की जो डील पाइपलाइन है या फिर ओवरऑल FY17 की जो डील पाइपलाइन है वो कैसी रही है सर? एकदम फर्स्ट क्लास है डील पाइपलाइन। आप देखिए इस क्वार्टर में भी हमने 8 डीलें विन की हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स विन की हैं, और वो पूरे साल के अंदर हमने 42 ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स विन की हैं, तो हमारा हमारी ऑर्डर बुक अच्छी है, हमारे डील पाइपलाइन अच्छी है। ठीक है, साथ ही अनिल जी, ये US में जो वीज़ा इश्यूज एमर्ज हुए हैं उसके बाद हमने देखा है कि जो ज़्यादातर IT कंपनीज हैं वो वीज़ा पर जो अपनी डिपेंडेंस हैं उसको काफ़ी कम कर रही हैं। अभी आपके कितने परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ आप US से ही हायर करते हैं, कितने आप यहाँ से ऑफशोर लेकर जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी है इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए? आपने ठीक कहा, जो कंपनीज जिनकी की डिपेंडेंसी ज़्यादा थी वो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये चीज़ हम पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई भी इमीडिएट कोई ऐसा वो स्टेप नहीं लेने की ज़रूरत पड़ी है, और हमारी वीज़ा डिपेंडेंसी US में काफ़ी कम है। आधे से कम लोग हमारे US के अंदर, 12,000 लोग हैं हमारे US के अंदर, उस आधे से कम लोग वीज़ा डिपेंडेंट हैं जी। तो क्या ये डिपेंडेंसी गोइंग फॉरवर्ड और कम होगी? या गोइंग फॉरवर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको घटा ही रहे हैं, तो ये घटेगी और भी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि SL टेक्नोलॉजीज की ओर से कांस्टेंट एक्विजिशंस हुए हैं, तो फर्दर भी अभी आप क्या और कोई एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी का एम्फेसिस है कि मोड 2 और मोड 3 स्ट्रेटजी के ऊपर, जहाँ डिजिटल, क्लाउड, IoT वगैरह हैं, वहाँ पे और एक्विजिशन किए जाएँ, या प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ और एक्विजिशन किए जाएँ, ताकि उनकी ग्रोथ और एक्सेलरेट हो। तो इसलिए हमारा ग्रोथ जो इनऑर्गेनिक विल बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड जी। कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफीज अनिल जी जिन्हें आप टारगेट कर रहे हैं अभी एक्विजिशंस के लिहाज से? आई थिंक डेवलप्ड ज्योग्राफीज ज़्यादा हैं, US, यूरोप वगैरह, डेवलप्ड कंट्रीज जी। चलिए, शुक्रिया अनिल जी, आपने समय दिया जी बिजनेस को, अपने व्यूज आपने शेयर किए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। तो यहाँ पर आपने सुना मिस्टर अनिल चनाना को, जो कि CFO हैं SL टेक्नोलॉजीज के, वो बता रहे थे कि जो डील पाइपलाइन है वो स्ट्रांग है, आगे की जो प्रोजेक्शंस उन्होंने दी है मार्जिन्स की उसमें उन्होंने जो 19.5% से 20.5% की बात की है उसमें उन्होंने करेंसी फैक्टर को भी ध्यान में रखा है, हाली की जो एक्विजिशंस की हैं उसको भी फैक्टर्ड इन किया है, और 65.5 का एक एवरेज रुपए का लेवल को ध्यान में रखते हुए ये मार्जिन पिक्चर उन्होंने शेयर की है, लेकिन US और यूरोप में वो फर्दर एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं ये उन्होंने कहा। अभी 840 के लेवल्स पर SL टेक ट्रेड कर रहा है करीब 4 रुपए की कमजोरी लेकर। SL टेक पर ही कमेंट ले लेते हैं, हमारे साथ आशीष कल बने हुए हैं। आशीष, क्या व्यू है आपका SL टेक पर? देखिए दीपाली, ओवरऑल जो लेकिन HCL टेक इन सभी में से आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर एक साल पहले करीबन 710 का लेवल था, आज 840 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस तो है HCL टेक में, मोमेंटम बनना अभी बाकी है। तो मेरे ख्याल से अगर 860 का आंकड़ा पार करके ऊपर की ओर जाता है तो अच्छी रैली देखी जा सकती है 890 के आसपास इस स्टॉक में। ठीक है, अर्निंग्स की वजह से ही 3 स्टॉक्स और है जो आज चल रहे हैं, उसमें पहला है जी एंटरटेनमेंट, दूसरा है हीरो मोटोकॉप और तीसरा है हिंडालको। इन तीनों पर एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। पहले जी एंटरटेनमेंट पर लेंगे, डिस्क्लेमर भी दे दें कि SL समूह की ही कंपनी है और अब करीब 5% ऊपर है नंबर्स के बाद। ब्रोकर हाउसेज ने 620-630 तक के टारगेट्स की बात कही। अभी टेक्निकली देखें आशीष, तो नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं जी एंटरटेनमेंट में? देखिए, जी एंटरटेनमेंट में काफी स्मार्ट रैली आज के दिन में की, एक लो जो बनाया है 500 के आसपास का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लो है, और यहाँ से अभी ये स्टॉक निकलकर 580 का पहला टारगेट है जो ऊपर में देखा जा सकता है इस स्टॉक के अंदर। ठीक है,
हीरो मोटो कॉपर भी कोई कमेंट चाहिए आशीष आपका? नंबर्स BS3 इन्वेंट्री के लिए जो डिस्काउंट्स कंपनी ने दिए थे उसकी वजह से नंबर्स ओवरऑल वीक लग रहे हैं, लेकिन अगर ये फैक्टर हम हटाकर देखें तो मार्जिन पिक्चर एक्सपेक्टेशन से बेटर रही है, इसीलिए स्टॉक इंटरडे हाइस पर भी है, 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपका व्यू क्या है, नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स क्या है हीरो मोटो कॉप में? हीरो मोटो कॉप में एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है और जो चैनल रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो करीबन 3470 के आसपास का लेवल है, तो 3470 का आंकड़ा इस स्टॉक में देखा जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा वो 3290 का लगा के रखना होगा। ठीक है, और एक हिंडालको पर भी आपका व्यू चाहिए, ये स्टॉक भी चल रहा है आज नोवेलिस के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद। ब्रोकरेज हाउसेस तो 240-250 के टारगेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गुंजाइश है क्या नई पोजीशंस के लिहाज से हिंडालको में आशीष? देखिए ओवरऑल हिंडालको एक रेंज में चल रहा है, अगर आप फरवरी के महीने में देखिए इसने 180 के आसपास लो बनाया था और हाई बनाया था करीबन 204 के आसपास, और पिछले इतने एक दो महीने से ये स्टॉक वही रेंज में है, तो यहाँ पर अभी नीचे लो बना के वापस से पॉसिबिलिटी है 203-204 के आसपास जा सकते हैं ये स्टॉक, तो वो टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अभी हमने हीरो मोटो की बात की थी, एक बार पूरे ही ऑटो स्पेस को देखिए, हीरो मोटो कॉप ही नहीं, हीरो मोटो के अर्निंग्स देखने के बाद बजाज ऑटो में अच्छा मूव है, आयशर मोटर्स जो ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुका है वहाँ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा जा रहा है, एक अशोक लेलैंड देखिए, तो ऑटो स्टॉक्स में ओवरऑल एक अच्छा रुझान आज के सेशन में बनता हुआ दिखा है, और स्क्रीन पर आपकी वो शेयर्स हैं भी जो कि परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड स्पेशली, इन स्टॉक्स पर क्या राय है आपकी आशीष? देखिए अशोक लेलैंड काफी टाइम से एक करेक्शन में था और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट लो बनाया करीबन 82 के आसपास, वहां से पॉजिटिव रुझान आता हुआ नजर आया, तो अशोक लेलैंड में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हम एक अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर देख सके, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है और टारगेट ऊपर में रखे जा सकते हैं करीबन 90 का शॉर्ट टर्म के होराइजन से, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर 96 का भी टारगेट देखा जा सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑन दी अदर साइड इज आउट परफॉर्मिंग और इसमें ऊपर में टारगेट करीबन 1440 का देखा जा सकता है, स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा इस स्टॉक के अंदर करीबन 1345 का स्टॉप लॉस एक लगा के रखना होगा। ठीक है, तो M&M और अशोक लेलैंड दोनों पर यहाँ पर आशीष ने आपको व्यू दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाते हैं कुछ बड़े एक्सपर्ट्स की राय भी आपको सुनवा देते हैं। सुंदरा म्यूचुअल फंड के MD और CEO सुनील सुब्रमण्यम का मानना है कि मार्केट्स इन लेवल्स पर भी अच्छे हैं, यहाँ पर भी आप नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इनफैक्ट अगले 2-3 सालों में उन्होंने सेंसेक्स के 40,000 तक जाने की बात कही। सुन लेते हैं उनकी राय मार्केट।